हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा उरेर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के, जिसमें हम बात करने वाले हैं PCOD की। PCOD का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज के दौर में क्या ये जो प्रॉब्लम है PCOD बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है लेडीज़ में। इसलिए मैं इसको आप साथ साझा कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है इसके, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आप पता लगा पाओगे कि जो हम बात करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर, जो हमने बात की थी, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, उसमें क्या होता है इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी एनाटॉमी होती है, वो सभी बात कर पाओगे आप इसमें और उसके बारे में जान पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं PCOD के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में बात करने वाले हैं। जो ये प्रॉब्लम है ये लेडीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको आपको अवेयर करने के लिए आज इस वीडियो के लिए बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं PCOD के बारे में। तो फ्रेंड्स, PCOD मींस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के मेन कारण क्या है उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, इसके रीज़न क्या है, क्या कॉजेज़ हैं इसके, उनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर कॉजेज़, यानी रीज़न के बारे में बात करेंगे आज, क्या रीज़न होते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इसके रीज़न ये होते हैं कि जैसे हमारा आज के दौर में हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, तो उसके कारण ये सबसे मेन प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम की होने की। क्या अपना हमारा लाइफ स्टाइल, तो फ्रेंड लाइफ स्टाइल को चेंज होने कैसे, जैसे हमारी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा जो खाने की सिस्टम है उसको हम चेंज होते जा रहे हैं, जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, और फ्रेंड्स क्या करें, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हम, बिजी हो गए अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये क्या, ये सभी मेन रोल है इसके, क्या मेन रोल प्ले करते हैं इस प्रॉब्लम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यही तीन चीज़ इसमें याद रखनी है आपको कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है अपने दिन में, डेली कुछ समय अपने लिए निकाले, अपनी बॉडी के लिए निकाले 15-20 मिनट जब डेली से अपने एक्सरसाइज करनी है। फ्रेंड्स, अपने डाइट पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देना है, और अपने क्या करना है, अपना ओबेसिटी, अगर आप ओबेस हो तो आपकी ओबेसिटी को, आपका वेट अगर 60 है तो आपको डेली मतलब आपको कम से कम 3% तो कम करना ही है आपको, यानी आपका वेट अगर 60% है तो उसमें आपको अपना 3 kg तो वेट अपना लॉस करना ही है, करना है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इसके। तो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं हम उसके क्या कहते हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लें, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको PCOD में। तो फ्रेंड्स, PCOD में आपको सिम्टम्स देखने को ये मिलेगा कि क्या होगा इसमें, आपकी जो लेडीज़ होगी उसको क्या होगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको उसके जो पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, उसको क्या, वो इरेगुलर होगी। इरेगुलर मतलब कभी लाइट हो जाएगी, कभी हैवी हो जाएगी, हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, कभी क्या होगा टाइम से नहीं आ पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। और फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें, जो हेयर ग्रोथ हो जाए, जो बॉडी होगी हमारी लेडीज़ की, उसकी बॉडी पे ओवर हेयर ग्रोथ होने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है इसकी, इसकी हमारे COPD की। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स हो सकते हैं और पेन होगा उसको, ये क्या, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जानते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है उसका। ट्रीटमेंट को जानने से पहले बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो PCOD की प्रॉब्लम है इसमें होता ये है कि जो लेडीज़ होती है उसमें जो ओवरी होती है, ओवरी में क्या होने लगता है, उसकी जो ओवरी होती है सिस्ट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, सिस्ट होने लगते हैं, गांठ बनने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब वो गांठ बढ़ने लगेगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जो उसकी सरफेस होगी उसमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको गांठ सी बन जाएगी उसमें, तो ये क्या, ये पॉलीसिस्टिक प्रॉब्लम होती है लेडीज़ के अंदर। ये क्या हो जाता है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसे लेडीज़ है जो खान पान सही नहीं है तो हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, उस कंडीशन में क्या होने लगता है, तो उसमें COPD की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें क्या होने लगते हैं, पॉलीसिस्टिक होने लगती है, सिस्ट किसमें, ओवरी में, इसकी वजह से वो क्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में एट द एंड आकर क्या होता है, वो ब्रस्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रस्ट होगी तो उसका फ्लूड यहाँ पे निकलेगा, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम होती है कि क्या उसमें सिस्ट होने लगते हैं ओवरी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम होती है PCOD की।
तो फ्रेंड्स इस विलंब को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसको मैंने बताया पहले आपको, सबसे पहले उसके कारण बताया, फिर उसकी ये बताया हमने, प्रिवेंशन बताया था क्या क्या करना है आपको। करना ये है कि आपको क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट को मेंटेन करके रखना है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गई तो इसमें डायग्नोज किया, फिर डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर उसको डायग्नोज करेगा, एक्सरे वगैरह करेगा, कुछ टेस्ट होते हैं इसके उनको करेगा, तो उसके बाद फिर इसमें आपकी थेरेपी चलेगी। इसमें थेरेपी चलती है, ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ट्रीटमेंट होता यह है इसमें क्या करता है, इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाई जाती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाई जाती है उस लेडीज़ की, क्या जिसमें ज़्यादातर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती हो, तो क्या उसकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चलाई जाती है, या इसमें फिर एक ड्रग आती है मेटफॉर्मिन, जो एंटी डायबिटिक ड्रग है, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक में यूज़ करते हैं हम उसको। तो फ्रेंड्स क्या है, वो जो मेटफॉर्मिन होगी उसका काम ये होगा कि वो क्या करेगी, जो हेयर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा उसको रिप्लेस करेगी, उसको रोकेगी। तो ये हम यूज़ करते हैं इसमें, कौन सी मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं हम इसमें, और क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स इसमें, इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाई जाती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाई जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लाई जाती है, और फ्रेंड्स इसमें एक ड्रग आती है हमारी प्रोजेस्टेरोन आती है, प्रोजेस्टेरोन जो क्या करती है, जो हमारे हार्मोन के लेवल को मेंटेन करके रखती है। तो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट होता है इसका हमारे, और भी जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके, तो ये बात की हमने इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन में आपको वही करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और क्या करना है, सभी अपने खान पान को सही रखना है, तो ये इसको आप क्या हो सकते हैं, इसलिए इसको इससे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आजकल के डेट में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लेकर के आ सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।